प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान द्वारा ग्वालियर में 3 दिवसीय 13वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसमें विश्व भर से कॉन्फ्रेंस में शिक्षा जगत के साथ औद्योगिक जगत से विशेषज्ञों एवं शोधार्थियां शामिल हो रहे हैं। 8 जनवरी से 10 जनवरी तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को इंडस्ट्री 4.0 की ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिस नाम दिया गया है। प्रेस्टीज संस्थान का कहना है, वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक स्तर पर व्यवसायिक जगत और उसमें हो रहे संगठनात्मक पहलुओं में परिवर्तन के सापेक्ष के साथ भविष्य में संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र प्रस्तुतिकरण किए जा रहे हैं, जिनमें मार्केटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मानव संसाधन प्रबंध, विधि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और जनरल मैनेजमेंट शामिल किए गए हैं। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूज वाटर एंड स्टीम पावर टू मैकेनाइज द वर्ल्ड, द सेकंड यूज इलेक्ट्रिक पावर टू क्रिएट मास प्रोडक्शन, द थर्ड यूज इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट द प्रोडक्शन। नाउ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बिल्डिंग द मिडिल, इट्स जस्ट ब्रिंगिंग अस टुगेदर एंड इट इज टेकिंग द डिजिटलाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल वेयर ऑटोनॉमी इज मोर कमिंग इन। It is characterized by a fusion of technology that is blurring the lines between physical, digital and biological spheres. Today, billions are connected via mobile phones. Offices are now virtual. Education institutions are functioning in the virtual mode. Artificial intelligence and robotics have increased efficiency and productivity. The growing demand and implementation of Industry 4.0 tools has created a major vacuum of knowledge and experience. इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मैनेजमेंट गुरु एन रघुरमन ने अपने अनुभवों का साझा किया है। उन्होंने कहा कि निसंदेह शोध कार्यों में विगत वर्षों की तुलना में सुधार देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं ये सुधार शोधार्थियों द्वारा शोध कार्यों के प्रति बढ़ता रुझान है। साथ ही प्रोफेसर रघुरमन ने कहा कि शोधार्थियों को किसी भी समस्या पर शोध कार्य शुरू करने से पहले शोध के विषय, शोध प्रारूप एवं शोध कार्यों हेतु सामग्री संग्रहण के प्रति पूरी तरह जागरूक एवं समर्पित होना चाहिए, जिससे कि उच्च कोटि के शोध कार्य समाज को मिल सके। उद्घाटन सत्र के अवसर पर प्रोफेसर पवन कुमार सिंह डायरेक्टर ने अपने संबोधन में कहा कि आज समूचे IIM भारतवर्ष में शोध के स्तर में, चाहे वो प्रबंध के क्षेत्र में हो अथवा समाज से जुड़े अन्य किसी संदर्भ में, उसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं प्रोफेसर पवन ने प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान अपनी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समूचे विश्व को एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रहा है, जो अनेकों वैश्विक मुद्दों को समझने एवं उनसे जुड़ी समस्या का समाधान करने में उपयोगी सिद्ध होगा। प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर हिमांशु जैन का कहना है, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड पर आयोजित हो रही है, जिससे अधिक से अधिक प्रतिभागी विश्व भर से शिरकत कर सकेंगे, जिससे न केवल भारत में बल्कि विश्व में अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक गतिविधियों और एक उत्कृष्ट शोध संस्थान के रूप में अलग पहचान रखता है। चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 12 तकनीकी सत्रों में बांटा गया है, जिनमें पहला तकनीकी सत्र 8 जनवरी को बेस्ट PhD थीसिस प्रेजेंटेशन हुआ है। वहीं आगामी दिनों में 10 तकनीकी सत्र क्रम से सूचना एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन प्रबंध सहित अन्य विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुतिकरण के होंगे। इस तरह अंतिम दिन तकनीकी सत्र वेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन कॉन्टेस्ट पर आधारित होगा। Prestige Institute of Management and Research Gwalior, because I do have a special relationship with the Prestige Institute, knowing that they are committed to the quality education in all their institutions, and that is something which I obviously admire as Chairman National Board of Accreditation. Mr. Aman Agrawal has been felicitated by being enthroned to chair position of St. Emilion Brotherhood by the heritage city of Bordeaux, France in June 2007. A special honor and privilege given to world figures in business, arts and science.
is honored with Life Fellow Award by Waseda University International Society. He also pursued the Joint Japan World Bank Initiated Senior Executive Program in Economic Policy Management from Columbia University at SIPA and has had a short stint at the World Bank in Washington, D.C., USA. सर सेशन बहुत अच्छा चल रहा है ऑनलाइन, काफ़ी सारे देशों से लोग आए हैं, लीडर्स जुड़े हैं हमारे साथ और बहुत करीब ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के 350 लोग हमसे अभी जुड़े हुए हैं। ऑफलाइन मोड में हमने कम जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है उसको मद्देनज़र रखते हुए रखा है और बाकी लोगों को हमने ऑनलाइन जोड़ा है, तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं लीडर्स के बारे में। अच्छे अच्छे जगह के, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हमारे साथ जुड़े हैं। एक्स आईबी आपने सुना होगा अभी थोड़ी देर पहले, के अग्रवाल जी को इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, तो काफ़ी बड़े लोग और नामी लोग हमसे जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं यही अपने पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने कॉन्फ्रेंस चलाई है काफ़ी अच्छी है और ये 13वीं है। मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि आगे बढ़ें और बड़ी कॉन्फ्रेंस आगे जाके हो। जी, ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन चलेगी और इसमें बहुत सारे सेशंस हैं। जैसे हमने पूरे कॉन्फ्रेंस को 11 सेशंस में डिवाइड किया है, इसमें हर सेशन में 10 से 15 के बीच में पेपर प्रेजेंट हो रहे हैं और सभी प्रतिभागी जो हैं वो ग्वालियर के बाहर से भी हमसे कनेक्टेड हैं, मतलब नेशनल लेवल पर भी कनेक्टेड है और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी तो उनमें चाइना, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया, इटली, नेपाल, भूटान, USA, ये हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं। अभी इनॉग्रल सेशन चल रहा है और उनमें भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया से जुड़े हुए हैं। और साथ ही में नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, जालंधर, पंजाब, ऐसे बहुत सारी सिटीज़ हैं जो मेजर सिटीज़ हैं इंडिया की, वो हमने कवर कर ली हैं। हमारे पास अभी तक 250 से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट आ चुके हैं और 180 फुल पेपर्स हमने रिसीव कर लिए हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, 4.0 इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अभी आप देखें कि जैसे 2.0 आया, 3.0 आया, अब 4.0 है और इसके बाद हम 5.0 की तरफ जा रहे हैं। तो जितना भी AI है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स हैं, तो आजकल पूरा वर्ल्ड जो है डिजिटलाइज हो गया है। तो ये पूरी कॉन्फ्रेंस जो है वो इसी पर फोकस है कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए क्या हम लोग रेडी हैं, वेदर इंडिया इज़ रेडी फॉर दैट, हम कॉरपोरेट में जाने के लिए क्या रेडी हैं। हम अपने स्टूडेंट्स, एकेडमिशियन और रिसर्चर के साथ इस डिस्कशन को करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि क्या हम लोग अभी रेडी हैं या हमें और क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, जैसे ग्लोबल पैंडेमिक और इस तरह की नेचुरल कैलमिटीज़ अगर आ जाती हैं तो हम कैसे रेडी हैं उन सबको फेस करने में। क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली कॉरपोरेट में सर्व करने वाले हैं। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।